greatest real life story. ये कहानी है 1938 की। कैलरी नाम का एक आदमी था जो अल्गेरियन आर्मी में था। वो अपने कंट्री का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर था। उसने अपने कंट्री के सारे नेशनल चैंपियनशिप पिस्टल शूटिंग अवार्ड जीते हुए थे और उसके कंट्री के लोगों को ये अंदाज़ा था कि इस दफ़ा जो ओलंपिक्स होने हैं 1940 में, उसमें गोल्ड मेडल पिस्टल शूटिंग में जो लाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कैलरी होगा। कैलरी का बस एक ही ख्वाब था कि वो अपने हैंड को दुनिया का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटिंग हैंड बनाना चाहता था। उसने ये सालों से ट्रेनिंग कर रखी थी कि मैंने अपने इस हैंड को दुनिया का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटिंग हैंड बनाना है। चूंकि वो आर्मी में था तो किस्मत ने उसके साथ एक खेल खेला, एक ऐसा खेल कि जिस हाथ से वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर है। उसके साथ एक हादसा हुआ। वो आर्मी में एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, उसमें उसने हिस्सा लिया तो उस कैंप में ट्रेनिंग के दौरान उसके उसी हाथ में ग्रेनेड फट गया। वो हाथ जिसे वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर है, उस हाथ में ग्रेनेड फट गया। तो फिर क्या हुआ? उसका वो हाथ जिससे वो शूटिंग करता था वो हाथ अब ना रहा। उस हाथ की वो हालत ना रही कि वो मुकाबला कर सके। लेकिन उसके पास सिर्फ दो रास्ते थे। एक रास्ता कि वो सारी जिंदगी अपने ख्वाबों को जला देता और आराम से किसी कोने में बैठकर रोता कि किस्मत ने उसके साथ खेल खेला है, और दूसरा रास्ता कि वो उसकी परवाह न करता जो उसके पास नहीं है, बल्कि उसकी परवाह करता जो उसके पास है। तो फिर क्या हुआ? उसने ये फैसला किया कि अपने उस हाथ को वो छोड़ देगा और जो उसके पास दूसरा हाथ है वो उससे खेलेगा। उसने अपने दूसरे हाथ की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख भी नहीं था सकता, जिसने उसने कोई काम नहीं था किया, जिसका उससे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो अपने इस हाथ से भी खेलेगा। उसने सालों साल अपने दूसरे हाथ, अपने राइट हैंड की प्रैक्टिस की थी, लेकिन उसने अपने लेफ्ट हैंड पर टाइम दिया। उसने अपने लेफ्ट हैंड को इस कदर बनाया, ट्रेनिंग की कि वो इसे शूटिंग कर सके। फिर जब वो गया अपने कंट्री के नेशनल चैंपियनशिप में, जब वो गया तो लोगों ने उसे देखा और उसने भी लोगों को जब देखा तो लोगों ने उसे कहा कि कैलरी बहुत अच्छी बात है कि तुमने अपना एक हाथ तो खो दिया है और तुम यहाँ आए हो हमें हौसला देने के लिए, हमें देखने के लिए, हमें तुम पे फख्र है। उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ तुम्हें हौसला देने के नहीं आया, मैं यहाँ तुमसे लड़ने आया हूँ, मैं ये फाइट करने आया हूँ, मैं यहाँ पर दिखाने आया हूँ। तो वहाँ पर उस नेशनल चैंपियनशिप अवार्ड में जब सब खेल रहे थे अपने बेस्ट शूटिंग हैंड से, तो ये खेल रहा था अपने ओनली हैंड से, एक ऐसा हैंड कि जिस पर इसने ज़्यादा मेहनत नहीं थी की, एक ऐसा हैंड जिसके बारे में इसने ये कभी सोचा नहीं था कि ये अपने ख्वाबों को इस हाथ से पूरा करेगा। वहाँ पर सभी खेल रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, अपने बेस्ट हैंड से सभी खेल रहे थे, लेकिन ये खेल रहा था अपने ओनली हैंड से। तो लेडीज एंड मैन, कौन जीता? द वन एंड ओनली कैलरी।
क्यों? क्योंकि उसको खुद पर एतबार था। उसने सोचा कि किस्मत ने मेरे साथ खेला है तो मैं किस्मत के साथ खेलूंगा। उसने ये सोचा था, उसने ये समझा था कि मैंने ये करके दिखाना है। अच्छा, लाइफ ने उसके साथ फिर ट्रेजेडी की, फिर उसके साथ एक हादसा हुआ। किस्मत एक बार फिर से खेली कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने थे वो फिर से कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से वो फिर से कैंसिल हो गए। तो कैलरी ने ये ना सोचा कि मैं पीछे हट जाऊं, उसने ये ना सोचा कि मैं अपने फैसले को चेंज कर लूं। उसने कहा नहीं, 1940 में जो ओलंपिक्स होने हैं उसने सोचा कि मैं उनको विन करूंगा। 1940 चार साल के बाद जो ओलंपिक्स होने हैं उसने सोचा कि मैं उसको विन करूंगा। तो उसने अपनी सारी प्रैक्टिस, अपनी सारी ट्रेनिंग उस टाइम के लिए लगा दी। उसने उस टाइम के लिए अपना माइंड सेट कर लिया। किस्मत फिर से उसके साथ खेली। चार साल इंतजार करने के बाद जो ओलंपिक्स 1944 में होनी थी वो ओलंपिक्स फिर से कैंसिल हो गई। कैलरी एक ऐसा इंसान था कि जिसकी बुक में, जिसकी डिक्शनरी में फेलियर नाम का कोई वर्ड ही नहीं था। उसने ये सोचा हुआ था कि मैंने ये करना है, मैंने करके दिखाना है। तो उसने क्या किया, अपना माइंड सेट कर लिया। चार साल के बाद जो ओलंपिक्स होनी थी 1948 में, उसने अपना सारे का सारा माइंड सेट वहां पे कर लिया। और फिर क्या हुआ, उसकी एज 1938 में 28 ईयर थी, 28 साल उसकी एज थी। और उसने अपना माइंड सेट किया हुआ था 1948 के ओलंपिक्स पर। 1948 के ओलंपिक्स तक उसकी एज हो गई 38, 10 साल। ये 10 साल का अरसा जो नए यंग प्लेयर्स आते हैं उनको पीछे छोड़ना और उनसे आगे बढ़ना और खुद को मनवाना कि मैं इनसे बेस्ट हूँ और मैंने फाइट करनी है, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसने ऐसा ही किया क्योंकि उसने लाइफ में कुछ और सोचा नहीं था। उसका ये जुनून था, उसका ये पैशन था कि उसने आगे बढ़ना है, उसने ये करके दिखाना है। तो फिर क्या हुआ, 1948 में जो ओलंपिक्स हुए उसमें सभी खेल रहे थे, दुनिया के सबसे बड़े बड़े पिस्टल शूटर्स आए हुए थे वहां पर, सभी खेल रहे थे अपने बेस्ट एंड से सभी खेल रहे थे। लेकिन कैलरी खेल रहा था सिर्फ और सिर्फ अपने ओनली हैंड से, अपने सिर्फ लेफ्ट हैंड से। एक ही हाथ था उसके पास, एक ही हाथ था और उसने उसको ही अपना हथियार बनाया हुआ था। उसने सोचा था कि मैंने इससे ही लड़ना है, मैंने इससे ये करके दिखाना है। तो वहां पर सभी खेल रहे थे, तो कौन जीता, लेडीज एंड मैन, द वन एंड ओनली, वहां पर जीता कैलरी। क्योंकि उसे खुद पर एतमाद था, उसे खुद पर यकीन था, उसने अपनी लाइफ में किस्मत को बार बार अपने साथ खेलने दिया और फिर बाद में वो किस्मत के साथ भी खेला। उसने अपनी उम्मीदों पर पानी नहीं डाला और वो जीता। और दोस्तों बात ये है कि उसके बाद दो ओलंपिक्स हुए, 1948 के बाद दो ओलंपिक्स उसने खेले और हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही पिस्टल शूटर ने लगातार दो गोल्ड मेडल जीते हूं, लेकिन कैलरी ने जीते। अब ये डिसीजन मैं आपको देता हूं, क्या आपकी लाइफ में भी अप एंड डाउन जा रहे हैं? अगर आपकी लाइफ में अप एंड डाउन जा रहे हैं तो आप किस तरह से उनको मैनेज कर रहे हैं? आपकी लाइफ में जो मुश्किलात आ रही हैं आप किस तरह से उन मुश्किलात से आगे बढ़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों कामयाबी ऐसे ही मिलती है कि जब आप अपने ड्रीम को लेकर इतना सीरियस हो जाते हैं कि आप बड़े से बड़े गमों के समंदर को पी जाते हैं, आप बड़े से बड़ी नाकामी को कुछ नहीं समझते और अपनी कामयाबी को अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ते रहते हैं, तो ऐसे ही लोग दुनिया में नाम बनाते हैं।
अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी कैलोरी की, जरा गौर कीजिएगा कि इसके पास तो वो भी नहीं था रहा, इसके पास तो वो हाथ भी नहीं था रहा जिसके लिए इसने सोचा था कि मैंने लाइफ में इसके साथ अपने ख्वाब को पूरा करना है। वो हाथ उसके पास नहीं था रहा, लेकिन उसने खुद पर एतमाद रखा कि मेरे पास जो है मैं इससे ही अपना ख्वाब पूरा करूंगा। उसने अपने अंदर इतनी स्किल्स पैदा कर ली कि उसने खुद को उस मुकाम तक पहुंचाना था। हाँ, उसने अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाना था। हाँ, कैलोरी ने अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाना था उसने। वो पहुंच गया, और वो पहुंच गया सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और